निर्धन और अति गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से करीब 10 वर्ष पूर्व स्पंदन एकेडमी के नाम से एक विद्यालय प्रारंभ हुआ था, जिसका संचालन अमेरिका में रहने वाले निर्मल शर्मा द्वारा किया जा रहा है। निर्मल अपनी सैलरी का अधिकतम हिस्सा स्कूल पर खर्च करते हैं। इस स्कूल में कॉपी किताब से लेकर एडमिशन और बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। स्पंदन एकेडमी में सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन किए गए। स्पंदन एकेडमी की शुरुआत हमने 2009 में की थी। आज 2019 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2009 में हमने इस 25,000 स्क्वायर फीट ग्राउंड के साथ में बहुत छोटे से निर्माण के साथ आज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भवन निर्माण हमने किया है। यहाँ पर गरीब, अनाथ, वंचित और ऑर्फन चिल्ड्रंस की जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह स्कूल जो है पूर्णतः निःशुल्क स्कूल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी पैसे बच्चों से या उनके अभिभावकों से नहीं लेते हैं। यह इंग्लिश मीडियम स्कूल है। टेक्नोलॉजी के साथ में बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन के साथ में सारे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बाकी सब चीज़ों के साथ में क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और हम जो प्रयास 2009 में शुरू किया था, आज 10 वर्ष पूरे होने पर, सफलतापूर्वक होने पर आज हम उसका सेलिब्रेशन। बच्चे यहाँ पर, मैं यहाँ पर 2013 से हूँ और यहाँ पर 284 बच्चे हैं। तो कैसा अनुभव करती हैं आप, क्योंकि एक अनोखा स्कूल है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ कर बच्चों को देखकर, बच्चों की बातें करके उन्हें पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो पहले कितने बच्चे थे आप लगभग स्कूल जब शुरू हुआ था? ये 25-30 बच्चों से शुरू हुआ था और आज वो 284 बच्चे।